बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक के रिज़ल्ट का ख़ास वजीफ़ा, जो भी खलूस दिल से ये अमल करेगा इंशाल्लाह पोजीशन हासिल करेगा। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि मैट्रिक और नहम का रिज़ल्ट आने वाला है, कैसा होगा और वो पास भी होगा या नहीं, क्योंकि ये उसकी सारी मेहनत का नतीजा होगा और उसी की बुनियाद पर वो आगे पढ़ाई कर सकेगा। और अगर इम्तिहान में अच्छे नंबर नहीं आए तो मुस्तकबिल में नौकरी नहीं मिलेगी। इसी वजह से इम्तिहान में अच्छे नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। इसी रिज़ल्ट के लिए हम एक बहुत ही कामयाब अमल लेकर आए हैं, जिसके करने से आप अच्छे नंबरों से पास हो सकेंगे। ये अमल हर क्लास के रिज़ल्ट के लिए किया जा सकता है और इसमें कामयाब हुआ जा सकता है। लेकिन अगर कोई तालिब इल्म इम्तिहान में कुछ लिखकर ही ना आया हो तो वो ये अमल ना करे, क्योंकि मदद तब मिलती है जब पहले खुद कोशिश की हो। आपको जो अमल बता रहे हैं ये छोटा सा अमल है और रिज़ल्ट के आने तक आपको जारी रखना होगा। वजीफ़ा और तरीक़ाकार, आपने हर फ़र्ज नमाज के बाद अव्वल और आखिर तीन तीन बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं और दरमियान में सूरह अलम नशरह 7 बार पढ़नी है और दुआ करनी है। इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए इलम की राहें आसान कर देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, इस अमल को सदकाए जारिया समझकर अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों सबको शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।